हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ का ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो लोग अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रखते हैं, या फिर आपने भी किया होगा। दोस्तों, आज बात करूँगा सब्सक्राइबर्स को हाइड करने का क्या फ़ायदा होता है और क्या इसका नुकसान होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल में यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा मेरा भी चैनल का जो सब्सक्राइबर है अभी तक हाइड करके रखा हुआ है। इसका क्या रीज़न है और इसका क्या बेनिफिट्स मुझे मिल रहा है, तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो भी एक नया यूट्यूबर यूट्यूब में चैनल क्रिएट करता है तो वो क्या करता है, अपने चैनल को सब्सक्राइबर को हाइड कर लेता है। और ये करना ज़रूरी भी है, इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करके रखते हैं तो दोस्तों, जब भी आप एक नया चैनल ओपन करता है यूट्यूब पे, तो आपके पास कोई सब्सक्राइबर नहीं होता है, आपका सब्सक्राइबर बेस नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, आपके वीडियोस तो लोग देखते हैं तो वो लोग समझते हैं कि इस बंदे के पास सब्सक्राइबर नहीं है, तो वो जो नॉलेज दे रहा है ये बंदा क्या सही होगा या फिर नहीं, लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। तो उसी वजह से लोग क्या करते हैं, आपके वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप सब्सक्राइबर को हाइड करके रखेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके चैनल में कितना सब्सक्राइबर है, और वो लोग क्या करेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो दोस्तों, ये भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद से इसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरा चैनल का जो सब्सक्राइबर है अभी तक जो है मैंने हाइड करके रखा है, तो इसका यही रीज़न है कि दोस्तों मैंने सोचा कि मेरा चैनल का जब 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर को अनहाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि एक नया जो चैनल ओपन होता है उसे अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करके रखना ज़रूरी होता है, तब तक जब तक आपका 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपका 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होगा लोग आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं सब्सक्राइबर्स को हाइड करके रखने का क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पास 2-3 स्पॉन्सरशिप आया था जो मेरे चैनल का 2,000 सब्सक्राइबर था तब, लेकिन उसके बाद मैंने किया कि अपने चैनल का जो सब्सक्राइबर्स है उसे हाइड कर दिया, और तब से लेकर अब तक मुझे एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है। तो यही है दोस्तों सब्सक्राइबर्स को हाइड करके रखने का नुकसान, कि अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करके रखेंगे चाहे आपका जितना भी सब्सक्राइबर आए, व्यूज़ आए, आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये भी मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जब तक आपका 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाता आपको आपके चैनल का सब्सक्राइबर्स को हाइड करके रखना है, उसके बाद उसे आप शो कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने जिस दिन से अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड किया है उसी दिन से मेरे चैनल का जो सब्सक्राइबर ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसका मतलब यही है फ्रेंड्स, मैंने जो अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड किया और मेरे चैनल का जो है ग्रोथ होने लगा है। तो अगर आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करेंगे तो आपने नोटिस क्या होगा, या फिर आप नोटिस करेंगे कि आपके चैनल का भी ग्रोथ होने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपके चैनल का 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है तो फिर भी आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करके रख रहे हैं, तो इसका बेनिफिट से ज़्यादा इसका लॉस हो रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कंपनीज देखे जो कि स्पॉन्सरशिप देने के 5 से लेकर 10,000 वाले चैनल को ही ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो बड़े बड़े यूट्यूबर के पास जाए, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स ज़्यादा चार्ज करते हैं एक स्पॉन्सरशिप का। तो इसीलिए वो छोटे यूट्यूबर्स को चूज़ करते हैं जो कि 5 से 10,000 के अंदर आते हैं। तो अगर आपके चैनल का सब्सक्राइबर भी 5 से लेकर 10,000 के अंदर है और आपने अभी तक अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रखा है तो अभी अपने चैनल के सब्सक्राइबर को शो कर दीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और नीचे एक कॉमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।